शादी, एक नया जीवन शुरू करने का वादा, एक साथ सपनों को बुनने का एहसास, पर कभी कभी ये सपने उस तरह से नहीं बुनते जैसा हमने सोचा होता है। पूजा शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी है। करौली के समीप स्थित गांव भोदर की रहने वाली पूजा अपनी जिंदगी में कई तूफान से जूझ रही है, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। ये है पूजा शर्मा, जो करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर के बाहर चबूतरे पर बैठकर छाछ रबड़ी बेचती है। मंदिर आने जाने वाले लोग पूजा की देसी छाछ रबड़ी खूब पसंद करते हैं, पर उनकी इस मजबूरी की कहानी से बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं। पूजा अपने दो बच्चों के लिए यह सब करती है ताकि उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके। शादी के बाद एक पत्नी की दुनिया उसके पति के सहारे पर टिकी होती है, लेकिन जब यह सहारा भी छिन जाए तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। पूजा शर्मा के पति ने उनका साथ छोड़ दिया, पर पूजा ने अपने घर वालों पर बोझ न बनने का फैसला किया। वो अपने माँ बाप के घर पर जरूर रहती हैं, लेकिन अपने आत्म सम्मान के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मंदिर के बाहर छाछ और रबड़ी बेचती है। पूजा की शादी 12 मई 2018 में हुई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पूजा की शादी भी सम्मेलन में हुई, पर शादी के कुछ साल बाद ही रिश्ते में ऐसी दरार आई जिसे मिटा पाना अब मुश्किल है। पूजा बताती है कि उनकी पति की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला। आज 26 साल की पूजा अपने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए छाछ रबड़ी बेचती हैं। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 5 साल और एक बेटी है जिसकी उम्र 2.5 साल है। रोजाना सुबह 8 बजे के आसपास पूजा मंदिर पहुंच जाती हैं और जब तक मंदिर के पट खुले रहते हैं तब तक अपनी छाछ रबड़ी बेचती है। उनकी इस मेहनत से उन्हें रोजाना 300 से 400 रुपए की आमदनी हो जाती है। पूजा का कहना है कि गर्मी के मौसम के बाद वह अपने बच्चों के लालन पालन के लिए नया काम शुरू करेगी। पूजा की यह खुद्दार कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर मुश्किल का सामना धैर्य और मेहनत से किया जा सकता है। पूजा ने अपने आत्मसम्मान और बच्चे के भविष्य के लिए जो संघर्ष किया वो सचमुच प्रेरणादायक है। लोकल 18 के लिए करौली से मोहित शर्मा की रिपोर्ट।